हर हर महादेव। कुछ तो बात है इन पहाड़ों पे जो यहाँ आकर दिल को सुकून मिलता है। आज हम इस वीडियो में आपको हिमाचल का रिच ट्रेडिशनल कल्चर, काठगुनी आर्किटेक्चर और ऑथेंटिक फूड शेयर करने वाले हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको कुल्लू ज़िले का सबसे ब्यूटीफुल विलेज, नगर विलेज, जो कि कुल्लू से मनाली जाने के रास्ते पर पड़ता है। वहाँ पे स्थित नगर कैसल, जो कि पहले महाराजा की पैलेस हुआ करता था, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए हमारे इस खूबसूरत सफ़र में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इन खूबसूरत पहाड़ों से। मैं अमित सेमवाल और मैं निशा आपका स्वागत करते हैं कुल्लू से। पूरा डिस्ट्रिक्ट ही कुल्लू है, तो वहां से हम आपको स्वागत करते हैं और इन ऑसम व्यू, इतने हरे भरे वादियों से आपका स्वागत करते हैं, जो कि अभी हल्की फुल्की हरी भरी दिख रही है, तो मानसून में तो क्या ही होता होगा। बट चलिए, अगर आप न्यू हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारा कंटेंट देखने के बाद ही सब करना चाहते हैं तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लीजिएगा, बट करिएगा जरूर। तो आज हम आपको लेके जाने वाले हैं नगर कैसल। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम जिस एरिया में हमने स्टे किया है वो है नगर, नगर से कुछ आगे है, ये खकनाल करके जगह है, वहाँ हमने स्टे किया हुआ है। बट अगर नगर कैसल आप आना चाहते हो और आप मनाली में स्टे कर रहे हो, तो मनाली से नगर कैसल जो है वो कम से कम 23 से 24 किलोमीटर की दूरी पे है, और बसेस की भी सुविधाएं पूरी फुल, मतलब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आराम से आइए। बट आपको हम आज जो लेके जाने वाले नगर कैसल है वो हिडन प्लेस है। इससे पहले हमने आपको सजला वाटरफॉल दिखाया, जो कि हिडन प्लेस ही था, और इस अब आपको हम कैसल दिखाएंगे। और आपको हमने जैसे बोला है कि हम जो आप आते हो फेमस जगह पे तो आप जाते जाते हो, बट ये जो कुछ अनएक्सप्लोर्ड जगह है यहाँ भी जाइए और खूब मजे लीजिए, आनंद उठाइए। तो चलिए आपको लेके चलते हैं नगर कैसल। दो रोड आ गई, यहाँ पे ऊपर जाना है। वन वे तो नहीं है? नहीं, ये हम चले गए नगर कैसल रोड की तरफ है। नगर कैसल की तरफ हम जा रहे हैं। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं नगर कैसल में, और अभी ये एरिया पूरा नगर ही है। और ये देखिए, हमने अपनी कार पार्क कर दिए और यहाँ से व्यू काफ़ी गजब के हैं। देखिए वहाँ फुल ऑफ स्नो वाला माउंटेन। हाँ, सेफ एंड सिक्योर है हमारी कार, और ये पूरा एरिया नगर नगर ही है, और हम नगर कैसल की तरफ बढ़ रहे हैं। बस ये हमारे सामने ही है नगर कैसल। चलिए आपको लेके चलते हैं। तो मेरे पीछे आप देखिए रहेंगे नगर कैसल। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर टिकट, जो कि पर पर्सन है 50 रुपीज़। चारों तरफ कौन कौन सी जगह घूमने की है? एयरपोर्ट कुल्लू मनाली रोहतांग पास कितने किलोमीटर है? अच्छा, ये सारी जगह हैं इस नगर के चारों तरफ घूमने की। और देखो, यहाँ जिस जिस मूवी की शूटिंग हुई है उनका नेम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि द हीरो, रोजा, जब वी मेट प्रसाद, इन सारी मूवीज़ की शूटिंग भी यहाँ हुई है। आई थिंक जो जब वी मेट है उसका जो गाना है एक, उसकी शूटिंग हुई है यहाँ पे। तो मतलब काफ़ी देखने लायक एरिया तो है। चलिए आगे। यहाँ पे आप खड़े होकर सेल्फ अपना फोटोज वोटोज क्लिक कर सकते हो। काफ़ी यूनिक टाइप से है, सही लग रहा है। मतलब यहाँ पे आप खड़े होइए और अपनी पिक्चर्स क्लिक करिए आप, जैसे कि मेरी पिक्चर अभी क्लिक होने वाली है। व्यू देखो यहाँ से कितने गजब के दिख रहे हैं। माय गॉड, Thank you.
अब तो जो बर्फ के पहाड़ हैं बिल्कुल सामने दिख रहे हैं हेलो करते हुए। सीरियसली मैं देखिए वहाँ पे पूरे बर्फ, वो वहाँ तो गजब की बर्फ पड़ी हुई है सीरियसली। तो ये पहाड़ बिल्कुल सामने, यहाँ से आपको नगर कैसे उससे यहाँ से जो माउंटेन दिखेंगे ना बर्फ़ वाले, वो बिल्कुल सामने दिखेंगे। और सब जो यहीं पे खड़े होकर वही देख रहे हैं और अपनी पिक्चर्स भी क्लिक कर रहे हैं, और सीरियसली यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। हाँ हाँ, मन तो कर रहा है उसी पहाड़ में चले जाओ बर्फ़ से खेलने, कूदा कादी करने। अच्छा लग रहा है एक्चुअली। ये ना पहले एक महल हुआ करता था, और जिसको अब जो सरकार ने कुछ मतलब इसके कुछ भाग को होटल में चेंज कर दिया है, रेस्टोरेंट में, वो हम बालकनी रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं अभी। बट ये पहले एक कैसल महल था, और अभी थोड़ा इसको कुछ चेंज करके होटल में कर दिया है। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन बनी गया है ऑब्वियसली, जब माउंटेन्स दिख रहे हैं आपको, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये टूरिस्ट अट्रैक्शन तो है ही। चलिए अभी आगे चल। नगर कैसल बहुत ही पुराना, 500 साल पुराना महल है। इसको 1460 AD में उस समय के महाराजा सिद्ध सिंह ने बनाया था। फिर उससे आगे 200 साल तक उनके सक्सेसर्स ने यहाँ पे राज किया। एंड देन 1978 में HP टूरिज़्म ने इसको अपने अंदर अक्वायर कर लिया, और करेंटली यहाँ पे एक हेरिटेज होटल रन किया जाता है, इसके ऊपर एक रेस्टोरेंट है। बहुत ही मोस्ट विजिटेड ये प्लेस है। नगर कैसल काठकुनी आर्किटेक्चर में बनाया गया हिमाचल प्रदेश आर्किटेक्चर का एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है। इसमें लकड़ी, पत्थर, मिट्टी का यूज़ किया जाता है, इसको हॉरिजॉन्टल बीम में बनाया जाता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। यहाँ के जो मोस्टली आर्किटेक्चर मिलेगा वो आपको इसी तरीके का मिलेगा, बिकॉज़ ये एक तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ऐसा बोला जाता है कि जब 1905 में कुल्लू में अर्थक्वेक आया था, तो जो आसपास के गांव थे वो सब ढह गए थे, लेकिन ये नगर कैसल बिल्कुल स्ट्रांगली खड़ा रहा। तो आई थिंक ये जो आर्किटेक्चर में बनाया गया है काठगुनी में, उसी की वजह से ये सब चीज़ें हुई। तो ये एक ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, और इसकी खास बात ये है कि सर्दियों में इसकी जो दीवारें होती हैं पत्थरों की, वो अंदर माहौल को पूरा गर्म रखती है। नगर कैसल घूमते घूमते आप चारों तरफ मतलब उसको एक्सप्लोर करने के बाद हमको शिव टेम्पल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, शिव टेम्पल। और अभी तो फिलहाल ये बंद है, बट आई थिंक आरती के टाइम पे खुलता होगा, अभी फिलहाल बंद है। आप यहीं से ऐसे ही दर्शन कर लीजिए शिव टेम्पल के, जो नगर कैसल की बस घूमने के बाद आपको ये मिल जाएगा। और अच्छा है, मतलब महल है एक, तो महलों की तरह ही सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी, मतलब रॉयल सुइट और काफ़ी सारे, मतलब मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पे मतलब होटल्स में ये कन्वर्ट है, तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रूम स्टे करने के ऑप्शन मिलेंगे। उसके अलावा ऑब्वियसली आपको बालकनी रेस्टोरेंट भी दिखाया हमने, जहाँ से आप बैठ के ऑर्डर कीजिए, और इतना मस्त व्यू आपको दिखेगा खाते हुए माउंटेन्स जो है। अगर स्नो वाला सीज़न है तो स्नो कैप माउंटेन्स दिखेंगे, अदरवाइज़ वैसे भी माउंटेन आपको जो हैं अच्छे लगते हैं। तो खाते हुए बालकनी रेस्टोरेंट में ऑर्डर कीजिए और इन नज़ारों के मज़े लीजिए। तो ये तो है नगर कैसल। तो नगर कैसल तो हमने देख लिया, उसके बाद ये लोकल पूरी मार्केट है, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, होममेड बेकरी, कॉफ़ी और आर्ट गैलरी, तो सब कुछ है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप आइए यहाँ पे एक्सप्लोर कीजिए, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग एक्सप्लोर करना भूल जाते हैं, बिकॉज हिडन प्लेसेस हैं, लाइक हमने आपको दिखाया कैसल। उसके अलावा अब हम जो है, हमने सुना है यहाँ पे नशाला विलेज है, जिसमें चामुंडा टेम्पल है, वहाँ की लोकेशन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, तो हमने भी नहीं देखा है, हम भी फर्स्ट टाइम जाएंगे। तो आपके लिए हम ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। आई होप आपको हमारी मेहनत जो है अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको आगे लेके चलते हैं। तो गाइज, आपको नगर कैसल दिखाने के बाद हम आपको लेके आ गए हैं यहाँ पे, उससे कुछ दूरी पर ही है नशाला विलेज। नशाला विलेज में चामुंडा टेम्पल है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और एक्चुअली इसकी जो खासियत है ये है, ये बहुत ही सुंदर लोकेशन में लोकेटेड है, आपको दिखाते हैं। देखिए, आपको लेके चलते हैं। एक्चुअली ये तो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत कम लोगों ने आपको ये दिखाया होगा ये जगह। तो ये जो टेम्पल है बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन में है, और आई थिंक यहाँ पे स्कूल भी है। आगे लेके चलते हैं आपको। हाँ, स्कूल है यहाँ पे, बच्चे अपने स्कूल टाइम एंजॉय करते हुए। और देखिए कितना लश ग्रीन तो अभी दिख रहा है।
ये देखिए कितनी सुंदर लोकेशन में है ये चामुंडा टेम्पल, और ये तो बहुत ही ज़्यादा हिडन है, इसको ज़्यादा लोगों ने नहीं दिखाया होगा आपको। तो जब आप नगर एरिया में आते हो तो आपको जो हमने कैसल दिखाया उसके बाद आप पक्का यहाँ चामुंडा टेम्पल ज़रूर विज़िट करना। उस नगर कैसल से थोड़ी दूरी पर ही है ये टेम्पल नशाला विलेज में, और ये देखिए बच्चे स्कूल। हम जाना वाटरफॉल है यहाँ पे, वहाँ की तरफ को जा रहे हैं, और ये वो रास्ता है। हम बहुत ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मतलब स्टॉल दिखेंगे जहाँ पे आप आराम से चाय कॉफ़ी आप नाश्ता कर सकते हो। मतलब ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, शॉप्स आपको अच्छी खासी यहाँ मिलेंगी, चाय कॉफ़ी नाश्ता जो भी करना है आपको आप आराम से करो। अब जरा हम एरिया रास्ता पूछ रहे हैं। अच्छा ये है वाटरफॉल, जाना वाटरफॉल। तो यहाँ हम बैठेंगे तब देखेंगे इस वाटरफॉल को अच्छे से, फिलहाल तो आपको दूर से दिखा रहे हैं। यहाँ से है रास्ता, ये है रास्ता। काफ़ी यहाँ पे और ज़्यादा ठंड है इस एरिया में, जितना हम हाइट पे जाते हैं उतनी ज़्यादा ठंड पड़ती रहती है, तो यहाँ पे और ज़्यादा ठंड हो गई है। और ये कुछ जाने का रास्ता, काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं हम एक्चुअली। और ये चीज़ में भी बहुत अच्छी लगी कि यहाँ बस की कोई इशू नहीं है, मतलब अच्छा खासा सुविधाएं हैं यहाँ पे यातायात के लिए। और एक्चुअली रास्ता थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है तो थोड़ा नीचे देखते हुए चल रही हूँ, फिर आपको हम सामने से वाटरफॉल का नज़ारा दिखाते हैं। जाना वाटरफॉल हमारे पीछे आप देख ही रहे होंगे, बट हम मेन यहाँ पे आए थे सिड्डू खाने, जो कि आपको पता है यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है हिमाचल का, तो वो खाएंगे, वो टेस्ट करेंगे क्योंकि हमने नहीं खाया है, हमें जानना है कैसा टेस्ट होता है उसका, तो वो खाते हैं। अच्छा ये क्या है, इसमें क्या बन रहा है? सिड्डू। अच्छा इसे खोल के दिखाओगे? ये होगा अभी है, दिखा सकते खोल के, दिखा दो आप। अरे वाह, अच्छा सही है। ये शॉप है जहाँ से हमने सिड्डू और चाय ऑर्डर की हुई है। अरे वाह, हम फर्स्ट टाइम सिड्डू टेस्ट करने वाले हैं, कैसा होता है? ये घी, मोमोज के ऊपर घी डाला बड़ा मोमोज लग रहा है। डाली चटनी, आप देखते हैं।
कैसा लग रहा है? डिलीशियस। अच्छा चलो हम भी टेस्ट करते हैं। निशु बोल रही थी कि मैं हाथ कहाँ पे धोऊं। मैंने कहा इतना सारा पानी है नेचुरल, कहीं पे भी धो लो। हाँ भाई तो पानी कैसा हो रहा है, नहाने लायक हो रहा है? नहाने लायक तो नहीं हो रहा, बट ये है कि अच्छा है। मतलब ऐसे ठंडा, पता नहीं क्यों मेरे को ठंडा भी नहीं लग फील हो रहा। सही है मतलब पानी। और एक्चुअली इस ब्लॉग में हमने आपको तीन चीज़ें दिखाई जो कि हिडन प्लेस ही समझो आप। एक तो आपको हमने नगर कैसल दिखाया और चामुंडा टेम्पल जो कि नशाला विलेज है नगर कैसल से थोड़ी दूर पे, वो दिखाया। उसके बाद हमने आपको जाना वाटरफॉल दिखाया। ये तीनों ही जब आप मनाली से आते हो, आपको बार बार इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि मनाली में आप जब आते हो तो मनाली से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये नगर है। और बसेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बस आप करो, बस में आओ, मतलब बस करो क्या, बस में आओ और बस से मतलब अच्छा खासा यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ तक बस है, ये तो हमें भी सरप्राइज़ हुआ कि यहाँ तक इतनी ऊंचाई तक भी बस इन्होंने रखी हुई है। तो कोई सुविधा मतलब ऐसी असुविधा आपको नहीं होने वाली है। गाड़ी आ गई, कोई टेस्टिंग हो रही है इस गाड़ी की। अच्छा देखो नहीं कौन सी गाड़ी है, नई गाड़ी की टेस्टिंग भी हो रही है। अरे वाह, धूल से प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं नहीं टेस्टिंग हो रही है गाड़ी की, पता नहीं कौन सी गाड़ी है अभी। हाँ तो देखिए कोई असुविधा नहीं है यहाँ पे, अच्छा है। बस हमने आपको जो तीन चीज़ें दिखाई वो अनएक्सप्लोर्ड है, मोस्टली यहाँ पे लोग नहीं आते हैं। जो भी फेमस डेस्टिनेशन है वहाँ पे घूमने जाते हैं। तो यहाँ भी आइए जब आप नगर की साइड में आ रहे हो, तो यहाँ भी आइए नगर कैसल जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है। 1460 में राजा सिद्ध सिंह थे, उन्होंने उसकी मतलब एक निर्माण किया था। और उसके बाद 1978 में आई थिंक जो HPTDC है उसके हैंडओवर हो गया था और एक मतलब होटल रेस्ट हाउस टाइप का ये कन्वर्ट हो गया था 1978 में रेस्ट हाउस में, वो नगर कैसल जो हमने आपको दिखाया। तो एक तरफ से हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ पे काफ़ी कुछ है हिमाचली कल्चर के बारे में जानने को मिलता है। और वहाँ से जो कुल्लू वैली का जो व्यू है वो आपको बहुत ही औसम दिखने वाला है, बहुत ज़्यादा। और वो जो पूरा कैसल है वो पत्थर का मतलब स्टोन का वुड का पूरा निर्माण किया गया है उस पूरे कैसल का। उसके बाद हम उस नगर कैसल से थोड़ी दूरी पर आते हैं और ये चामुंडा टेम्पल जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन में सिचुएटेड है, तो वहाँ भी आइए। उसके बाद थोड़ी दूरी पे आप जाना वाटरफॉल आइए। तो तीनों एक ही मतलब उसमें है, तो हम भी आ गए और हमने यहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छा लगा हमें तीनों जगह पे आके। तो आप भी आइए और इन जगहों पे आके मदमस्त हो जाइए, बिकॉज बहुत ही सुंदर जगह पे ये सब चीज़ें हैं। और ये जाना वाटरफॉल तो काफ़ी हाइट पे है, तो अच्छा लगा हमको बहुत। और आपको भी आई होप हमारे इस ब्लॉग के थ्रू ये चीज़ें जान के अच्छा लगा होगा। और बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, और न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।